गुड मॉर्निंग। आज 9 दिसंबर 2020 एक और जर्नी शुरू हो रही है मेरी। इस वक्त मेरी जर्नी होगी मुंबई से हैदराबाद। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ और दिखाऊं, जो जो चीज़ मेरे हैदराबाद मुंबई के ट्रिप में मिस हुआ था वो इस ट्रिप में ऐड करने की कोशिश करूंगा। ये नज़ारा जहाँ मैं रुका हुआ हूँ शील फाटा, वहाँ की बालकनी से आता है। यहाँ से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बहुत नज़दीक है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। ये आप देख सकते हैं सामने रोड, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है। मतलब इतना जाम कि कल हमें 3 किलोमीटर का फासला तय करने में करीब 2 घंटे लग गए, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम 10 बजे जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक खुल गया है तो अभी हम निकल सकते हैं, नहीं तो अभी से करीब एक आधे घंटे 45 मिनट्स पहले ट्रैफिक बहुत था। तो अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे, फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इस जर्नी में मेरे साथ होंगे अथर श्रीवास्तव, मेरी माँ डॉक्टर लता श्रीवास्तव, मेरी वाइफ गंगा श्रीवास्तव और मेरी बेटी अभिनंदनी श्रीवास्तव। और मैं आपको दिखाते जाऊंगा हमारे एक्सपीरियंसेस इस जर्नी के। ये है टोल प्लाजा, फर्स्ट टोल प्लाजा। आप जब मुंबई से बाहर निकलते हैं तो ये पहला टोल प्लाजा पड़ता है आपको। इसका नाम है शील फाटा टोल प्लाजा। क्योंकि मैंने फास्टैग लिया है तो मुझे एकदम टचलेस सर्विस मिलेगी। आप देख सकते हैं अब मैं जाऊंगा। तो ये फास्टैग की वजह से एकदम टचलेस सर्विस। तो अगर आप लोग हाईवे पे हैं, आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, इवन आप अगर आउटर रिंग रोड यूज कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फास्टैग ले लें। ये फास्टैग का टैग होता है और ये आपके पेटीएम से लिंक्ड होता है। तो टोल का पैसा आपके पेटीएम से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। ये था शील फाटा। ये मुंबई का तलोजा एरिया है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप तलोजा रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। ये तलोजा एरिया है। तलोजा जेल के लिए भी फेमस है और ये इंडस्ट्रीज के लिए भी फेमस है। ये मुंबई का कलंबोली इलाका है। ये तलोजा के बाद आता है कलंबोली। कलंबोली मुंबई के आउटस्कर्ट्स का एक सबर्ब है। अब यहाँ से हमको, आप सामने बैंगलोर हाईवे देख रहे हैं, वहाँ पे जाना है और वहाँ से फिर हमको पुणे हाईवे लेना है। अब ये आगे हमको मिल जाएगा पुणे हाईवे। ये आप देख सकते हैं सामने बोर्ड है। अब हम लोग एक्सप्रेस वे में एंटर कर रहे हैं। ये है एक्सप्रेस वे। अब ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे हम आ गए हैं। अब मैं आपसे आगे मिलता हूँ। थैंक यू। अब हम इंडिया के सबसे पुराने एक्सप्रेस वे पे हैं। आपको पता है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। अब आगे एक टनल आने वाला है तो उसका मैं आपको फुटेज देना चाह रहा था। जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग रात को आ रहे थे। अब ये डे में इसका मजा लीजिए। ये है टनल, इसको बोलते हैं भाटन टनल। इसको बनाने में हमारे देश के इंजीनियरों ने बहुत मेहनत की है। ये बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन इंजीनियर्स को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने ये पॉसिबल किया इतना बेहतरीन टनल बनाना। और ये टनल के वजह से आज मुंबई पुणे की डिस्टेंस बहुत कम हो गई। अभी हम लोग
मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे है। अब ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से हटके हमको पुणे शोलापुर एक्सप्रेस हाईवे पे जाना है, तो ये मैं एकदम आपको पूरा फुटेज देने वाला हूँ कि हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से पुणे शोलापुर एक्सप्रेस हाईवे में कैसे जाते हैं। तो इसके लिए हमको पुणे शहर के बीच में से जाना पड़ेगा। पुणे शहर, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि भाई इसे बोलते हैं कि विद्या सा माहिर घर, मतलब विद्या का घर। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। भारत की शान नेशनल डिफेंस एकेडमी भी पुणे में है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बहुत लोग आजकल तंदूरी चाय पी रहे हैं, तंदूरी चाय का आविष्कार भी पुणे में ही हुआ था। अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि भाई अगर तंदूरी चाय का आविष्कार पुणे में नहीं हुआ था तो कहां हुआ था। अभी तक आपने देखा पुणे शहर, हम लोग स्टार्ट किए थे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे, उसके बाद पुणे शहर में बहुत घूमे और अब हम लोग आ गए हैं शोलापुर एक्सप्रेस हाईवे पे, पुणे शोलापुर एक्सप्रेस हाईवे। अब ये जो रूट है ये सीधा सीधा हमको शोलापुर लेके जाएगा। ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये बस 10-12 किलोमीटर तक होगा, उसके बाद ट्रैफिक का कोई नामो निशान नहीं होगा, एक आधा ट्रक दिखेगा अपने को रास्ते में। अब यहाँ पे मुझे कोई टर्न नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे जाना है और शोलापुर पहुंच जाएंगे। शोलापुर से लेफ्ट टर्न लेना है और सीधे सीधे जाना है, हैदराबाद पहुंच जाएंगे। बीच में मैंने थोड़ा सा फुटेज आपको नहीं दिया क्योंकि वो एरिया में वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, बिकॉज वो मिलिट्री एरिया था। अदरवाइज जितना हो सके पुणे का मैंने आपको फुटेज दिया है। एक और बात आपसे शेयर करना चाहता था मैं कि आप लोग जब भी लॉन्ग ट्रिप करें आप प्लीज स्प्रे सैनिटाइजर जरूर कैरी करें। डिपेंड करता है आपके पास आप लोग कितने लोग हो ट्रैवलिंग में, लेकिन अगर जैसा अभी हम लोग चार हैं तो हम लोग चार स्प्रे सैनिटाइजर साथ में रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने को हाथ लगाना पड़ता ही। अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने रुके हैं विट्ठल कामत, जो कि पुणे शोलापुर हाईवे पे है। तो अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको कि खाना कैसा है यहाँ का, बने रहिए हमारे साथ। ये विट्ठल कामत में ये साहब भी मौजूद हैं। चलो अच्छा है, ऐसे रेस्टोरेंट्स में रैबिट रखा है। अच्छा उसका दोस्त भी आ गया, वाह दो रैबिट है। चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम अपनी खाने की तरफ जाते हैं। हेलो, अभी इस वक्त हमारा लंच आ गया है विट्ठल कामत, जो कि शोलापुर पुणे हाईवे पे है। तो अभी मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि जायका कैसा है इसका। तो गंगा क्या खा रहे हो आप, वेज कोल्हापुरी? पहले तो ये बता दो ये वेज कोल्हापुरी है और ये पनीर मक्खन वाला है। तो पहले गंगा से पूछेंगे, गार्लिक नान और रोटी है तो कैसा है गंगा? टेस्ट अच्छा है वेज कोल्हापुरी, अच्छा है। और पनीर मक्खन वाला वो भी अच्छा है, ठीक है। अब मम्मा आप बताओ कैसा है आप? मेरी माँ मिर्ची का खाना नहीं खाती है तो वो सिर्फ पनीर मक्खन वाला खाएगी। कैसा है माँ? अच्छा है ना, चलो। अथर कैसा है बेटा? अथर हाँ अच्छा लगा ना, चलो गुड। तो रेकमेंड करते हैं अथर जो लोग आएंगे यहाँ पे? हम रेकमेंड करते हैं आप लोग जो लोग मतलब पुणे शोलापुर हाईवे पे है विट्ठल कामत में आ सकते हैं ना। चलो वेरी गुड। हम लोग हैं अभी यवत नाम की जगह पे। यवत जो कि है पुणे, पुणे के पास में एक गाँव है यवत, वहाँ पे है अभी। और यहाँ से अब हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप होगा सीधा शोलापुर में चाय के लिए। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी शोलापुर। इसी के साथ अब ड्राइविंग ड्यूटीज में चेंज है, अब मेरी वाइफ गंगा वो अब हम सबकी जान उसके हाथ में है। नहीं नहीं उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि तू सेफली पहुंचाएगी, बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है तू।
नमस्कार, अभी हम पुणे शोलापुर हाईवे पे चाय पीने के लिए साई नाम के एक रोड साइड होटल में रुके हैं। ये उसका नज़ारा है, होटल साई। ये अथर्व और अभिनंदिनी एंजॉय करते हुए। ये होटल साई में गंगा ने ऑर्डर किया है पाव भाजी, बिकॉज अभी बहुत जल्दी हम लोग का महाराष्ट्र छूट जाएगा और महाराष्ट्र छूटने के बाद ये अच्छी पाव भाजी नहीं मिलती। तो गंगा, कैसी है पाव भाजी? अच्छी है ना? चाय बहुत मीठी है। चाय मीठी लगी? गुड़ की है ना? ये है शोलापुर शहर। शोलापुर महाराष्ट्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। यहाँ पे शोलापुर यूनिवर्सिटी भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, और अगर आप लोग जानते होंगे सलीन अंगोला करके एक बॉलर थे इंडिया के, फास्ट बॉलर सलीन अंगोला, जिन्होंने उसी मैच में डेब्यू किया था जिस मैच में सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, वो शोलापुर में पैदा हुए थे सलीन अंगोला। आगे जाके हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे और यहाँ से उदगीर 90 किलोमीटर से, तो कुछ अराउंड 100 किलोमीटर हमको और महाराष्ट्र में रहना है और उसके बाद कर्नाटक लग जाएगा। वहाँ कर्नाटक में मैं अपनी टैंक फुल करा लूँगा, बिकॉज कर्नाटक में फ्यूल, डीजल का कॉस्ट या ओवरऑल फ्यूल का कॉस्ट बहुत कम है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले। ये लेफ्ट साइड से तुलजापुर को रास्ता निकलता है, मैं आपको वो भी दिखाने का ट्राई करता हूँ। तुलजापुर मंदिर यहाँ से, ये लेफ्ट से तुलजापुर को रास्ता निकलता है। तुलजा भवानी का टेंपल है, बहुत फेमस है, अगर आप लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो जरूर आइए यहाँ पे। अब मैं आपसे आगे मिलता हूँ। शोलापुर की शोलापुरी चद्दर भी बहुत फेमस है, तो ये तो हम रात में पहुंचे यहाँ पे, अगर डे में होते तो काफी सारा आपको यहाँ पे आसपास जो लोकल लोग हैं चद्दरें बेचते हुए दिख जाते हैं। तो अगर आप शोलापुर कभी आए तो शोलापुरी चद्दर जरूर ले लें। लास्ट टाइम जब हम लोग शोलापुर आए थे तो हमने शोलापुरी चद्दर खरीदी थी और काफी अच्छी होती है, तो आप जरूर आइए। अब ये शोलापुर पुणे रोड एंड हो गया है और शोलापुर उदगीर रोड शुरू हो गया है लेफ्ट से। अभी हम लोग लेफ्ट लेंगे, हम लोग उदगीर की तरफ मुड़ जाएंगे। ये जो ब्लैक रिक्शे दिख रहे हैं आपको, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहेंगे, कर्नाटक में भी शायद हो सकता है ब्लैक रिक्शे मिल जाए। एक बार तेलंगाना शुरू हो गया तो येलो रिक्शे मिलेंगे, येलो या ग्रीन। अब हमने शोलापुर पुणे एक्सप्रेस हाईवे छोड़ दिया है, अब हम टूवर्ड्स उदगीर जा रहे हैं। अब बेसिकली क्या है कि हैदराबाद की आउटर रिंग रोड तक, हैदराबाद के आउटर रिंग रोड तक आपको ये रोड नहीं छोड़ना है, सीधा ही सीधा चलते जाना है और कुछ नहीं करना। महाराष्ट्र से कर्नाटक का ये चेक पोस्ट है। अब हम आ चुके हैं कर्नाटक। अब यहाँ पे जब भी मौका मिले मैं अपनी कार का फ्यूल टॉपअप कर लूँ। इस वक्त हम लोग कर्नाटक के चंदिकापुर के ऊपर से जा रहे हैं, ये फ्लाईओवर बन चुका है इसलिए हम शहर के बीच से नहीं जा सकते, हम ऊपर से जा रहे हैं। चंदिकापुर बहुत फेमस है, यहाँ पे एक राम तीर्थ नाम की जगह भी है, रामा तीर्थ बोलते हैं वहाँ पे, कुछ मंदिर है वहाँ पे घूमने लायक। तो कभी आप आए कर्नाटका तो जरूर घूमें चंदिकापुर और राम तीर्थ। ये अभी मैं कर्नाटक में हूँ इसलिए मैं फायदा उठाऊंगा और यहाँ पे डीजल भरवा लूंगा। आपको मैं इधर का कॉस्ट बता देता हूँ, यहाँ पे डीजल है 78.74, आप देख सकते हैं। ये अब हम कर्नाटक से तेलंगाना में एंट्री कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वेलकम टू तेलंगाना। यहाँ से हैदराबाद 134 किलोमीटर है, अब हम तेलंगाना में हैं। हाय, तो अब हम हैं अपने जर्नी के अंतिम पड़ाव पे, हम लोग अब ORR ले रहे हैं आउटर रिंग रोड। जो लोग हैदराबाद के लिए नए हैं, आउटर रिंग रोड पूरे हैदराबाद के चारों तरफ घूमता है। आप जब भी हैदराबाद आए कहीं से भी आए, आप
विजयवाड़ा के रूट से आ रहे हो या आप सोनापुर के रूट से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपको ORR मिलेगा। और फिर हैदराबाद में कहाँ जाना है उस हिसाब से आप ORR का एग्जिट ले सकते हो। तो मुझे जाना है राजेंद्र नगर, मेरा घर राजेंद्र नगर में है, तो मैं उस हिसाब से एग्जिट लूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास फास्ट टैग है, मैं फास्ट टैग यूज कर लूंगा, तो मुझे रिसिप्ट लेने की जरूरत नहीं है। मेरे लेफ्ट से वरंगल नागपुर की तरफ और मेरे सीधा एयरपोर्ट की तरफ, राजेंद्र नगर का एग्जिट एयरपोर्ट के पहले है। तो जब आप एंटर कर लें ORR, आप ये पता कर लीजिए कि आपको हैदराबाद में कहाँ जाना है, उस हिसाब से आप एग्जिट चूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े। आपको ORR में पहले भी दिखा चुका हूँ, तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपकी आपका टाइम अच्छा चले और आप लोग बहुत बहुत सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।